फ्रेंड्स, आज मैं आपके फायदे के बारे में बताने वाला हूँ। तो क्या है फायदा, मतलब आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा। तो आज मैं एनसीसी के फायदे के बारे में बताने वाला हूँ। तो एनसीसी लेने का क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो आज उसी के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस माय लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनसीसी आप कैसे ले सकते हैं? आप अगर स्कूल में हो तो 9th क्लास में एनसीसी ले सकते हैं। अगर आप कॉलेज में हो तो ACS फर्स्ट ईयर और BA BHC या फिर BCOM फर्स्ट सेमेस्टर में आप एनसीसी ले सकते हो अपने कॉलेज से। जब एनसीसी में एनरोलमेंट होता है तभी फिजिकल फिटनेस एंड रनिंग, उसके बाद आँखें मारना बहुत ही जरूरी होता है एनसीसी में कभी, क्योंकि जब आप लोग फायरिंग करने के लिए जाओगे तभी आँखें मारना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि एक आँख बंद करके दूसरे आँख से टारगेट पॉइंट करना पड़ेगा। इसलिए तो ये सब बातें छोड़ के अभी हम लोग अपना मेन पॉइंट में आते हैं, एनसीसी लेने का क्या क्या फायदे है। एनसीसी लेने से आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब में भर्ती हो सकते हैं। तो पहला फायदा है, एनसीसी कैडेट के लिए सशस्त्र बल में अलग से सीट रिजर्व रहती है। दूसरा, एनसीसी स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एंट्री मिलती है, सिर्फ इंटरव्यू और मेडिकल निकालना पड़ता है, उदाहरण के तौर पर SSB एग्जाम, SSC एग्जाम। तीसरा, एनसीसी कैडेट को आगे की पढ़ाई के लिए बहुत सी स्कॉलरशिप मिलती है। चौथा, एनसीसी कैडेट को सरकारी नौकरी खास करके पुलिस की नौकरी में बहुत सारी छूट मिलती है। पांचवा, अन्य व्यक्ति के मुकाबले एनसीसी कैडेट्स को ज्यादा महत्व दी जाती है। तो फ्रेंड्स, यही था कुछ बेनिफिट्स ऑफ एनसीसी, एनसीसी का कुछ फायदे। तो आज मैं आप लोगों को उस फायदे के बारे में बोला। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी, लाइक कमेंट एंड शेयर, और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर तुम लोग कमेंट में रहोगे तो मैं आप लोगों के साथ रहूँगा और मैं समझूंगा आप लोगों का प्यार मेरे साथ है। तो गाइस, आज का ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। बाय।